हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे जीए एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नीम शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 पोस्ट 19,200 17,000 एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, 2,200 आदिवासी जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूल की है। इस वीडियो में हम ग्रेड फर्स्ट के सिलेबस के बारे में सब्जेक्ट कॉमर्स को देखेंगे। सिलेबस बताने से पहले मैं बुक्स की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ आपको। 11th 12th की बुक से पढ़ना है आपको, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरा का पूरा 11th 12th की बुक से ही दिया गया है सिलेबस। और आप थोड़ा सा जो भी टॉपिक आप 11th 12th में पढ़ रहे हैं, यदि वो टॉपिक आपको यूजी के बुक में मिल रहा है, वो भी डिटेल में, तो आप उसे भी पढ़ें, क्योंकि साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि जो पेपर का जो लेबल होगा वो यूजी लेबल तक का भी हो सकता है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं अपन कॉमर्स के सिलेबस को। वाणिज्य कॉमर्स, इसी से आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे। मैं हिंदी में सिलेबस बताऊंगी क्योंकि लोगों ने डिमांड करी है कि मैम आप हिंदी में बताएं, और हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा प्रोनंसिएशन यदि गलत हो जाए तो प्लीज़ आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अपन देखते हैं क्या क्या है इसमें। फर्स्ट, व्यवसाय अध्ययन एवं प्रबंध, इसमें क्या क्या देखना है आपको। व्यवसाय का परिचय, उसकी अवधारणा, विशेषताएँ, उद्देश्य, व्यवसाय का वर्गीकरण, उद्योग, वाणिज्य एवं पेशा, व्यावसायिक संगठन का चुनाव, लघु स्तर व वृहत स्तर, उद्योगों के प्रकार, वाणिज्य का वर्गीकरण, व्यावसायिक जोखिम प्रकृति एवं कारण। ठीक है, सेकंड है व्यावसायिक संगठन के रूप में आपको देखना है एकाकी व्यापार, संयुक्त हिंदी सॉरी हिंदू परिवार व्यवसाय, साझेदारी, संयुक्त स्कंद प्रमंडल एवं उसका निर्माण, सहकारी संगठन। थर्ड पॉइंट है व्यवसाय के स्वामित्व, इसमें आपको देखना है निजी, सार्वजनिक एवं संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त उपक्रम की भूमिका, व्यावसायिक उपक्रम, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। फोर्थ पॉइंट है व्यावसायिक सेवाएं, जिसमें आपको देखना है बैंकिंग, बीमा, यातायात, भंडारण, संदेश वाहन, आधुनिक तकनीकों का व्यावसायिक सेवाओं का प्रभाव, डाक सेवा, टेलीकॉम सेवा। फिफ्थ पॉइंट है व्यापार, आंतरिक व्यापार एवं थोक व्यापार, व्यवसाय के नवोदित ढंग, फ्रेंचाइजी, ई व्यवसाय, आउटसोर्सिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आयात निर्यात प्रक्रिया, आयात एवं निर्यात प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले प्रलेख, EPZ SPZ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थाएँ, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष UNCTAD। सिक्स्थ पॉइंट है व्यवसाय वित्त, जिसमें आपको देखना है साधन, स्वामित्व, कोष, उधार लिए गए कोष, वित्त के विभिन्न स्रोत, क्षमता अंश, पूर्वाधिकार अंश, GDR, ADR, ऋण पत्र, बॉन्ड्स, उपार्जित आय, लोक जमा, वित्तीय संस्थाओं एवं वाणिज्य बैंकों से लिए गए ऋण, क्रेडिट रेटिंग एवं रेटिंग संस्थाएं, व्यापारिक शाख एंड माइक्रो क्रेडिट। ठीक है, सेवन पॉइंट है व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यवसाय की नैतिकता, पर्यावरण संरक्षण। एट पॉइंट है प्रबंध अवधारणा, उद्देश्य, प्रकृति कला, विज्ञान, पेशा, प्रबंध के इष्ट, प्रबंध के सिद्धांत, सामान्य एवं वैज्ञानिक सिद्धांत, समन्वय की विशेषता एवं उसका महत्व। नाइन्थ पॉइंट है व्यावसायिक पर्यावरण, उसका अर्थ, उसका महत्व, आयाम, बदलते व्यावसायिक परिवेश में प्रबंधकीय प्रतिक्रियाएं, निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण के विशिष्ट संदर्भ में, विमुद्रीकरण में उसकी अवधारणा, उद्देश्य, उसका प्रभाव, व्यवसाय की भविष्य दृष्टि। टेंथ पॉइंट है प्रबंध के कार्य, में आपको देखना है नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण एवं समन्वय। इलेवेंथ पॉइंट है व्यवसाय वित्त, जिसमें आपको वित्तीय प्रबंध देखना है, उसका अर्थ देखना है, क्षेत्र, भूमिका एवं उद्देश्य, वित्तीय नियोजन, पूंजी संरचना, उत्तोलन, स्थायी एवं कार्यशाल पूंजी, उसका अर्थ देखना है एवं उसकी मात्रा को प्रभावित करने वाले तत्व तथा वित्तीय निर्णय। 12th पॉइंट है वित्तीय बाजार, इसमें आपको देखना है उसकी अवधारणा, उसका प्रकार, कार्य
मुद्रा बाजार एवं उसके उपकरण। पूंजी बाजार में आपको देखना है प्राथमिक, द्वितीयक, स्कंद, विपणी, NCEI, OTCEI की प्रक्रिया, SEBI। ठीक है, 13 पॉइंट है मानवीय संसाधन प्रबंध में आपको देखना आयाश, महत्व, मानव शक्ति, अनुमान, चयन, भर्ती, प्रशिक्षण एवं विकास, क्षतिपूर्ति, निष्पादन, मूल्यांकन। ओके, 14 पॉइंट है विपणन, उसका अर्थ, कार्य, भूमिका, विपणन के स्तर, विपणन के बदलते स्वरूप, विपणन मिश्रण, संगठनात्मक व्यवहार जिसमें व्यक्तिगत व्यवहार देखना है, अभिप्रेरणा में आपको देखना है उसकी अवधारणा एवं प्रयोग, व्यक्तित्व अवबोध, सीखना एवं अभिवृत्ति, नेतृत्व एवं नेतृत्व की अवधारणाएं, संप्रेषण, समूह, गतिशीलता। 15th पॉइंट है प्रबंध की आधुनिक प्रवृत्तियां, रुझान, व्यवसाय की प्रक्रिया, पुनर्रचना, कुल गुणवत्ता प्रबंधन, गुणात्मक वृत्त, मानदंड, व्यू, रचनात्मक प्रबंध, ज्ञान प्रबंधन, व्यवसाय प्रमाणीकरण एवं ISO। 16th पॉइंट है उपभोक्ता संरक्षण, उसका अर्थ, उसका महत्व, अधिकार एवं कर्तव्य, उपभोक्ता जागरूकता एवं वैधानिक प्रावधान, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता संगठन एवं गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। 2nd है लेखा शास्त्र, इसमें आपको देखना है लेखांकन, लेखांकन में उसका अर्थ, उद्देश्य, विश्वसनीय लेखांकन, सूचनाओं की आवश्यक तत्व, लेखांकन सिद्धांत, लेखांकन की आधारभूत मान्यताएं, लेखांकन प्रमाप, लेखांकन के रोकड़ एवं उपार्जित आधार। 2nd पॉइंट है लेखांकन प्रक्रिया में आपको देखना है प्रमाणक, सौदे लेखांकन, समीकरण, नाम, जमा के नियम, प्रारंभिक प्रविष्टियाँ की वहियाँ, नकल वही एवं सहायक वहियाँ, खाता वही, नकल वही से खाता वही में प्रविष्टियाँ किस प्रकार से होती हैं, खातों का शेष निकालना, तलपट, अशुद्धियों का संशोधन, बैंक समाधान विवरण पत्र। 3rd पॉइंट है हर्ष का लेखा अभिलेखन, प्रावधान, संचय, विनिमय विपत्र, गैर लाभकारी संगठन, साझेदारी लेखे, साझेदारी का पुनर्गठन, प्रवेश, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, विघटन, अपूर्ण लेखों के खाते, प्रेषण व्यवहार, संयुक्त उद्यम। ठीक है, 4th पॉइंट है संयुक्त कंपनियों के खाते, अंश पूंजी, अंशों के प्रकार, अंशों के निर्गमन, आवंटन, हरण एवं पुनर्निर्गमन पर किया जाने वाला लेखांकन, ऋण पत्र में उसका प्रकार, निगमन सॉरी निर्गमन एवं शोधन पर लेखे, एकल स्वामित्व के खाते एवं संयुक्त कंपनी के लेखे, अंतिम खातों के प्रस्तुतिकरण पर उभरती प्रवृत्तियां। 5th पॉइंट है परिसमापन के लिए लेखांकन। ठीक है, 6th पॉइंट है कंपनी का वित्तीय विवरण विश्लेषण, उसका अर्थ, महत्व, सीमाएं, वित्तीय विवरण के विश्लेषण के उपकरण, तुलनात्मक विवरण विश्लेषण, समान आकार के विवरण का विश्लेषण, प्रवृत्ति विश्लेषण, लेखांकन अनुपात, ये देखना है आपको। अपन 7th पॉइंट की बात करेंगे, कोष प्रवाह विवरण विश्लेषण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण, जिसमें आपको अर्थ देखना है, उद्देश्य देखना है, निर्माण, लेखांकन मानक 3 के आधार पर पद। ठीक है ना, 8th पॉइंट है लागत लेखांकन, उसकी प्रकृति, कार्य, कार्य लागत, प्रक्रिया लागत, सीमांत लागत, लागत लाभ, मात्रा, विश्लेषण, लागत नियंत्रण एवं लागत नियंत्रण तकनीकी। ठीक है, 9th पॉइंट है लेखांकन में कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय, लेखांकन सूचना प्रणाली, लेखांकन में कंप्यूटर का प्रयोग, लेखांकन प्रक्रिया का स्वतः चालन, लेखांकन प्रतिवेदन की डिजाइनिंग, प्रबंधकीय सूचना प्रणाली, अन्य सूचना प्रणाली के साथ डेटा हस्तांतरण, रेडीमेड कस्टमाइज एवं टेलर मेड लेखांकन प्रणाली। 10th पॉइंट है लेखांकन एवं डेटाबेस प्रबंध प्रणाली, जिसमें आपको अर्थ देखना है ईटी की अवधारणा एवं लेखांकन प्रणाली से संबंध, लेखांकन में डाटाबेस लेखांकन प्रणाली DBMS। 11th पॉइंट है संगठन के मानव संसाधन हेतु लेखांकन, स्फीतिक लेखांकन एवं सामाजिक उत्तरदायित्व, आपको इतना ही पढ़ना है। ओके, और ये सब कुछ 11th 12th की बुक से पढ़िएगा, पूरा का पूरा 11th 12th से ही ये सिलेबस बनाया गया है, तो आप कंटिन्यू स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू।